दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती का पॉलिटिक्स में आना उनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज साबित हो चुका है, क्योंकि आए दिन उन पर इल्जाम पे इल्जाम लग रहे हैं। और ऐसे में एक इल्जाम और लग गया है दद्दा पे। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर इल्जाम है। मिथुन चक्रवर्ती को यह भी नहीं पता कि बंगाल में कितने विधानसभा और कितने जिले हैं, बस ऐसे पेल के चले आए हैं। और यह बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एक बहुत ही बड़े तृणमूल कांग्रेस के महासचिव जी बोल रहे हैं, जिनका नाम है अभिषेक बनर्जी। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी के तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मिथुन चक्रवर्ती पर निशाना साधा है। और यह निशाना किसने साधा है यह भी आप सबको पता है, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती इस समय पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा सक्रिय हैं। और इनका तो यह भी कहना है कि मिथुन दा लगता है कि पॉलिटिक्स में आकर अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हैं, नेता बहुत बड़ा नेता समझ रहे हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती पर जो बातें बोली है, शायद फैंस नाराज होंगे, शायद गुस्सा भी करेंगे, और शायद कुछ ये बोलेंगे कि यार गलती कर देता आपने पॉलिटिक्स में जाकर। अब बात करते हैं कि आखिर अभिषेक बनर्जी ने मिथुन चक्रवर्ती को कहा क्या है। मिथुन चक्रवर्ती पर निशाना साधते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा, मिथुन दा को भी अभी नहीं पता कि विधानसभा में सीटें और जिले कितनी हैं। बनर्जी ने कहा कि वह सिर्फ डींगे मारना चाहते हैं कि वह कितने बड़े नेता हैं। आपको याद हो कि मिथुन चक्रवर्ती ने बुधवार को दावा किया था कि टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में है और 31 तो उनके डायरेक्ट निशाने पर है, यानी कि डायरेक्ट संपर्क में है। अभिषेक बनर्जी ने इसीलिए मिथुन चक्रवर्ती पर कुछ इस तरीके का निशाना साध दिया है, जिसके बाद सियासी माहौल राजनीतिक गर्म हो चुकी है। मिथुन चक्रवर्ती ने यह भी कहा था कि यदि टीएमसी के लोग कहते हैं कि हम जनता से प्यार से जीते हैं, तो फिर डर किस बात की है। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ, जब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के 38 विधायकों को अपने संपर्क में बात कहने की इच्छा बताई थी, उन्होंने कहा था कि 38 विधायक मेरे संपर्क में है, उनमें से 21 मेरे सीधे संपर्क में है। उन्होंने यह भी कहा था कि जब मैं मुंबई में था, एक सुबह में मैं उठा और सुना कि भाजपा शिवसेना की सरकार बनेगी, अगर यह महाराष्ट्र में किया जा सकता है तो यहाँ क्यों नहीं, यानी कि बंगाल में क्यों नहीं। तो मिथुन चक्रवर्ती और अभिषेक बनर्जी की इस आमने सामने में डींगे ताबड़तोड़ चल रही है। लेकिन भाई साहब, मैं तो अभी भी यही बोलूंगा कि मिथुन चक्रवर्ती ने बहुत गलत कर दिया राजनीति की इस दलदल भरी दुनिया में अपना कदम रखकर।